Ladies and gentlemen, this is truly history in the making. Let's support, let's show some love to Afghanistan first of all. Let's show some love to Pakistan. May the best man win. For all the Pakistanis out there, for the very first time in the history of Pakistan. The champion of the Arabian Sea Toyota, Mustafa Khan! असलम नाजिन आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नाजिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फर खान के साथ जिन्होंने हाल ही में अरेबियन सी चैम्पियनशिप जो है जीती है पाकिस्तान के अंदर और इन्होंने अफगानिस्तान के बॉक्सर को मात दी है और ये टाइटल अपने नाम किया है इस वक्त मेरे साथ मुजफ्फर खान मौजूद हैं इनसे जानते हैं कि इन्होंने कितनी मेहनत की है किस तरह से इन्होंने बॉक्सर को हराया है और यह टाइटल अपने नाम किया है क्योंकि अफ़गानिस्तान की वो बॉक्सर हैं जिन्होंने तकरीबन चार साल से इनको चैलेंज कर रहे हैं और ये चार साल इस टाइटल को कितने के लिए मेहनत कर रहे हैं मुजफ्फर खान सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से और हमारे चैनल के देखने वाले नाजरीन की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो पूरी पाकिस्तान की आवाम की तरफ से आपको मुबारक हो कि आपने ये टाइटल अपने नाम जी जीता है सबसे पहले ये बताएं कितनी मेहनत लगी है और कितना मुश्किल था एक बॉक्सर को हराना शुक्रिया आपके आने का और आपकी मोहब्बत का जी बिल्कुल ये काफ़ी मुश्किल था हमने चार साल इसके लिए मेहनत किए और टफ़ मेहनत की है क्योंकि बॉक्सिंग की जो फील्ड है ना वो काफ़ी टफ है इसमें मजाक मजाक नहीं चलता और हमने चार दफ़ा इसके लिए कैंप लगाए थे उस्ताद की मेहनत से कौम की दुआओं से माँ बाप की दुआओं से अल्लाह ने हमें फ़तह दिए ये जो अहमद समीर था ये पाकिस्तान के टॉप बॉक्सरों में से था इन्होंने सात फाइट की है और सारी इन्होंने जीती है और उसमें सारे जो फाइट है उसकी इंटरनेशनल फाइट है उन्होंने पहले भी पाकिस्तान में भी काफ़ी फाइटिंग की है और पाकिस्तानी फाइटरों को उन्होंने हराया था लेकिन अल्लाह की फ़जल से और कौम की दुआओं से हमने उसको मार दी और कल हमने फ़र्स्ट टाइम ये जो अरबियन सी टाइट टाइटल है इसको अपने नाम कर दिया पाकिस्तान के नाम कर दिया सही मुजफ्फर ये बताएं कितनी मेहनत लगी है आपको क्योंकि आपने चार साल सिर्फ एक टाइटल जीत के लिए मेहनत की है कितना मुश्किल था और कितना जज्बा था कि आपने इसको हैराना हिराना जी बिल्कुल मुश्किल था मुश्किल था क्योंकि वो एक टफ बॉक्सर था और वो अफगानिस्तान के अच्छे जाने माने बॉक्सर में से था लेकिन अल्लाह की फ़जल से और हमने जो मेहनत की थी अभी वो हमारे लिए इंग्लैंड से शाहजी शाह नमान शाह साहब ने कोच मंगवाए थे मार्क था वो पीटरसन था एरिश बॉक्सर था उसके अलावा एक और बॉक्सर आया था इन्होंने मुझे पंद्रह दिन टफ़ ट्रेनिंग दिए और उन्होंने मुझे समझाया कि किस तरह इसको हराना है लेकिन अल्लाह की फ़जल से कौम की दुआओं से हमने कर दिखाया और पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया आप मुझे बताएं कि के पी के से आपका ताल्लुक है और वहाँ से आप वैसे भी सख्त जान हैं और आपके जब आपको पांच लगते थे और आपका वो आज हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह से आप बिल्कुल ठीक हैं लेकिन उस वक्त जो आपकी हालत थी वो बहुत ही खौफनाक किस्म की थी क्या समझते हैं इस हालत को देखकर आपके घर वाले और आपके दोस्त और आपके कोचेज़ वगैरह क्या फील करते हैं यार इस बंदे को इतनी चोटें लग गई हैं और आज आप माशाला से बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी बिल्कुल मेरा तल्लु की पीके के ज़िला जो है ना खैबर से खैबर एजेंसी जो पहले तभी तो खैबर ज़िला ख़ैबर हो गया मैं कॉम से अफरीदूँ मैं पेश में भी पे पे रहता हूँ जाहिर बात है यार कोई अपने दोस्त को या अपने बेटे को या अपने भाई को तो इस तरह नहीं देखेंगे लेकिन अभी फील्ड है इसमें फील्ड में कदम रखा है क्योंकि अभी दस साल हमने इसको दिए अभी दूसरी फील्ड में जाएंगे तो दस साल और देंगे तो जाहिर बात है बस इसमें मतलब इसमें इस अपना नाम रोशन करेंगे और इन कर देखा है मेहनत ज़्यादा की थी हमने और ये फील्ड है ये कोई मसला नहीं है हाँ ज़ाहिर बात है कॉम अपने बाबा की सपोर्ट है मुझे अपने बाप की सपोर्ट है वो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं उन्होंने कहा है कि अभी तुमने शुरू किया है तो इसको एक मतलब मुकाम पर ले चलो और उसकी दुआएँ होंशाला तक उसकी मुझे फुल सपोर्ट है ज़ाहिर बात है माँ नाराज़ होती है मुझसे और वो हमेशा जब भी मैं घर जाता हूँ वो रोती है और बोलती है कि यार इसको छोड़ो लेकिन अभी फील्ड है तो अभी नहीं छोड़ सकते और अल्लाह ने अभी रिजल्ट दे दिया आपके सामने हमने पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन कर दिया और ये पहली दफ़ा डब्ल्यू बी सी की तारीख में हुआ है कि पाकिस्तान ने एक इतना बड़ा टाइटल अपने नाम कर दिया है सही आखिर में मुजफ्फर ये बताएं कि पाकिस्तान के नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बॉक्सिंग एक मुश्किल गेम है तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी इसकी तरफ आएँ और जिस तरह आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है इस तरह वो भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सही बात भाई ये जरूरी नहीं है कि आप बॉक्सिंग की तरफ आ जाइए मार्शल आर्ट भी है उसके अलावा क्रिकेट भी है फुटबॉल भी है हॉकी भी है लेकिन अगर आज आप देखा जाए तो हमारे मुल्क में कुछ फितने चल रहे हैं जिनमें से सबसे बड़ा फितना जो है ना की चल रही है इसमें मतलब हमारी ज़्यादा यंग जनरेशन वर्ल्ड है उसके अलावा ये पबजी कुछ निकला हुआ है ये इसका मसला है दूसरा टिकट आया हुआ है तो मैं लोगों को ये मैसेज दूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इन चीज़ों से बाज़ आए और गेमों को तो दे गेवों को तोज्जो दे वो इसमें अपने नाम कर सकते क्योंकि अभी पाकिस्तान की हुकूमत ने खास करके पी के ने अच्छे प्रोग्राम शुरू किए अभी आपने देखा जवान प्रोग्राम जो था हमारे के पी के इमरान खान का इन्होंने तो इससे आप फायदा उठाए और इससे आपको कुछ इनकम भी होगा और आप मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे और फिट भी रहेंगे और उन चीज़ों से भी आप मतलब बाजा होगी जो मतलब ये गंदे काम है ना आए से या ड्रग्स वगैरह जो है ना इनकी तरफ कि रजान नहीं होगी जी मुजफ़र खान एक दफ़ा फिर आपको बहुत मुबारक हो कि आपने ये जीता है नाजीन मुजफ्फर खान पाकिस्तान का फख्र है और इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है उम्मीद करते हैं आगे भी ये जाकर मजदीद टाइटल पाकिस्तान के लिए अपने नाम करेंगे इसी के साथ ही मुजफ्फर खान और अली रज़ा को देने इजाजत इजात अला थैंक यू सो मच थैंक यू जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू